हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग आरटीपी मई 2021 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जो कि कंसाइनमेंट चैप्टर से है। आइए पढ़ते हैं। लिखा है मिस्टर दिविक ऑफ जयपुर परचेज 5000 पीसेस ऑफ साड़ी एट 500 पर साड़ी। 5000 साड़ी खरीदा है कितना रुपया में? 500 रुपया में। आउट ऑफ दीज 3000 साड़ीज वेयर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू मनोज ऑफ पिलानी। बोल रहा है 3000 पीस कंसाइनमेंट में किसको भेज दिए हैं? मनोज को। तो सर कंसाइनी कौन है? मनोज। कंसाइनर कौन है? दिविक। एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 600। 500 का चीज कितना में भेजे हैं? 600 में। तो सर इनवाइस प्राइस में भेजे हैं आप, 600 रुपए जो है वो क्या है? इनवाइस प्राइस। तो लोडिंग कितना चल रहा है? 100 रुपया। 500 का चीज 600 में, 100 रुपए का लोडिंग है। द कंसाइनर पेड 30,000 फॉर पैकिंग एंड फ्राइट। कंसाइनर खर्चा कितना है? 30,000। मिस्टर मनोज सोल्ड 2500 साड़ी एट 625। मिस्टर मनोज क्या किया? 2500 साड़ी 625 रुपए के रेट से बेच दिया और 10,000 का सेलिंग खर्चा हुआ। एंड रिमिटेड 5,00,000 टू जयपुर ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर दिविक और 5,00,000 रुपया कंसाइनर को दे भी दिया। मिस्टर मनोज इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल। टोटल सेल पे कितना कमीशन? 5% प्लस ए फर्दर कमीशन ऑफ 20% ऑफ सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर द इनवॉइस प्राइस। बोल रहा है जो इनवॉइस प्राइस से अधिक प्राइस में वो बेचा होगा उस पे कितना कमीशन देंगे? 20%। इनवॉइस प्राइस था 600, बेचा है 625, तो क्या हर साड़ी के ऊपर 25 रुपया का सरप्लस में बेचा है? हम बोले हाँ। तो सर 25 रुपया इंटू जितना साड़ी वो बेचा है ये है सरप्लस अमाउंट, इसके ऊपर 20% क्या मिलेगा? कमीशन एक्स्ट्रा। हम बोले हाँ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। एक तो बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दिविक एंड मिस्टर दिविक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एजेंट मनोज। बोल रहा है मनोज के बुक में दिविक का भी अकाउंट, मतलब कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ और कंसाइनी के बुक में कंसाइनर का अकाउंट बनाओ। हम बोले हाँ। चलो पहले क्या बनाएंगे? इन द बुक्स ऑफ दिविक क्या बनाएंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। हम बोले चलो सबसे पहले सामान भेजे हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, किसमें भेजे हैं? इनवॉइस प्राइस। कितना पीस? सर 3000 पीस साड़ी भेजे हैं, कितने रुपए के रेट से? हम बोले 600 रुपए, 18 लाख रुपए। आगे पढ़ो सर, उसमें 30,000 खर्चा किए टू कैश या बैंक, क्या चीज खर्चा किए हैं? हम बोले सर फ्राइट एंड पैकिंग, ये कंसाइनर खर्चा किया है। कितने का? 30,000। उसके बाद लिखा है मनोज ने 2500 बेच दिया, मनोज बाय मिस्टर मनोज सेल कितने पीस का? 2500 पीस। किस रेट पे? 625 के रेट। आइए मल्टीप्लाई करें, 2500 इंटू 625 कितना आएगा? चलिए सेल लिख दिए। अब सर ये जो लोडिंग है उसका वो हटाइए, इनवॉइस प्राइस पे बेच रहे तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये क्या है? लोड कितना? हम बोले सर हर पीस पे 100 रुपये का लोड चल रहा है, तो 3,00,000 रुपये का लोडिंग है। बोले हाँ, ये था तो सीखे हुए हम लोग। आगे पढ़ो सर, सेलिंग खर्चा 10,000 टू मिस्टर मनोज, कितने रुपए का सेलिंग खर्चा? 10,000। उसके बाद आगे लिखा हुआ है 5,00,000 रुपया का कंसाइनमेंट को कंसाइनी पैसा भेजा, सर वो कंसाइनमेंट में नहीं आता। हम बोले हाँ वो तो नहीं आता है। उसके बाद कमीशन, हम बोले हाँ कमीशन आएगा। कमीशन पे क्या बना लेंगे सर? नोट वन। आओ नोट वन बना लो, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। पढ़ो क्या लिखा है? लिखा है
5% के टोटल सेल पे, 5% ऑन टोटल सेल। तो सर टोटल सेल कितने का है? 15,62,500, इसका 5%। हम बोले ओके। प्लस और क्या बोला है? बोला है जो सरप्लस प्राइस होगा 20% ऑफ सरप्लस प्राइस। रियलाइज्ड ओवर इनवाइस प्राइस। तो हम बोले सर सरप्लस प्राइस कितना? हम बोले बेचे हैं 625 में, इनवाइस प्राइस कितना है? 600, तो 25 रुपया का हर पीस के ऊपर 2500 पीस बेचे हैं। तो सर मल्टीप्लाई करके उसका कितना निकालेंगे? 20%। हम बोले हाँ, ये दोनों सॉल्व करने से जो निकलेगा यही क्या होगा हम लोग का टोटल कमीशन। हम बोले चलो सॉल्व किया जाए, 15,62,500 का 5%। तो हम बोले 5×6=25, ₹78,125। तो वो हुआ प्लस ये कितना होगा? 25×25 तो ये होगा 6,50,000। नहीं, 25×25 625, 62,500, 12,500 रुपये जोड़िए 90,625। तो कमीशन निकल गया 90,625। बोले हाँ। आगे उसके बाद हम बोले सर 3000 पीस भेजे थे, उसमें से 2500 पीस बिक गया, तो 500 का तो कंसाइनमेंट स्टॉक है। कंसाइनमेंट स्टॉक नोट टू। हम बोले आओ नोट टू बनाए। कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, सबसे पहले इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कितना अनसोल्ड है? 500 पीस। एक का दाम कितना है इनवॉइस प्राइस? 600 रुपया, 3,00,000। अब इसमें क्या जोड़ेंगे सर? कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर खर्चा किया है 30,000, कितने पीस पे? 3000 पीस पे, और हमको कितने पीस का निकालना है? 500 पीस, 5,000। तो सर कंसाइनमेंट स्टॉक निकला 3,05,000। बोले लिखो 3,05,000। अब सर इसके ऊपर क्योंकि इनवॉइस प्राइस चल रहा है तो इसके ऊपर स्टॉक रिजर्व निकलेगा 500 पीस पे, हर पीस पे कितना रिजर्व चल रहा है? 100 रुपया का। तो सर 50,000 रुपया का स्टॉक रिजर्व ये भी निकल गया। अब क्या होगा? बोले बस अब प्रॉफिट लॉस निकलेगा। चलो जोड़े 15,62,500 प्लस 3,00,000, 18 और 3 21,00,000, 21,67,500। माइनस 18,19,80,625। तो 19,80,625 माइनस कर देंगे 21,00,000 में, कितना प्रॉफिट निकलेगा? 1,86,875 टू पीएल अकाउंट। ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर से निकला। दूसरा क्या बनाने बोला है? क्वेश्चन बोला है जो कंसाइनी है मनोज उसके बुक में दिविक अकाउंट बना के दिखलाइए। बोले ठीक। सेकेंड पार्ट हम लोग का, इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी का नाम क्या है? मनोज।
बनाने बोला है दिविक अकाउंट, कंसाइनर का अकाउंट। हम बोले सर ये सिंपल है, ये तो ऑलरेडी सीखे। कंसाइनी के लिए कंसाइनर कौन है? सर क्रेडिटर है उसका। हम बोले बिल्कुल, उसके लिए तो उसका क्रेडिटर है। और जैसा हमने जो पढ़े का बात भी किए थे सर, गुड्स जो कंसाइनमेंट में बेचते हैं उसका एंट्री कंसाइनी के बुक में नहीं होता, क्योंकि वो मालिक बनता ही नहीं है सामान का। क्या एंट्री होगा? हम बोले सर सामान बेचने का, लायबिलिटी बढ़ गया बाय सेल्स। कितने रुपए का सेल्स है? हम बोले सर सेल्स है 15,62,500। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि वो कुछ पैसा भेज दिया, तो सर लायबिलिटी घट गया। कितने रुपए का पैसा भेज दिया? 5,00,000। कुछ खर्चा हुआ, सेलिंग एक्सपेंस, क्या ये खर्चा का पैसा वो क्रेडिटर से काटे, कंसाइनर से काट लेगा? हम बोले हाँ, जो भी वो खर्चा करता है वो कंसाइनर से कट जाता है, तो सर मेरा लायबिलिटी कम होता चला जाएगा। मनोज इतना रुपए का सामान बेचा, ये पैसा किसको देना? दिविक को। तो मेरा मनोज के लिए क्या बन गई? पैसा लायबिलिटी। अब मनोज जितना जो चीज दे दिया है, जैसे 5,00,000 का पेमेंट कर दिया है, कुछ खर्चा किया है और कुछ कमीशन, वो काट लेगा और बैलेंस पैसा बोलेगा दे देंगे 90,625। खत्म। 15,62,500। चलो माइनस करें सर, ये बचेगा 9,61,875 रुपीज। तो ये हम लोग का निकल गया इन दी बुक्स ऑफ मनोज। किसका अकाउंट? दिविक अकाउंट। ये काफी सिंपल है, अगर आपको कंसाइनी के बुक में नहीं आता है तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप वहां जाकर देखो, बहुत ही क्लियरली समझाएं कंसाइनी बुक में कैसे एंट्री करते हैं। लिखिए।